राजनीति चरमपंथी, ये जिस देश के पीछे पड़ जाते हैं उस देश की बर्बादी तय है। इसराइल को ही देख लीजिए, कट्टरपंथी आतंकियों ने इसराइल को गर्त में धकेलने के लिए पूरा जोर लगा दिया, जिससे उबरने के लिए उसे ना जाने कितने साल लग जाएंगे। वो बात अलग है कि इन कट्टरपंथियों को जड़ से खत्म करने के लिए इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। अब यही कट्टरपंथी फ्रांस के पीछे पड़ गए हैं। कट्टरपंथियों ने फ्रांस के साथ कुछ ऐसा कर दिया है कि मैक्रो का माथा ठनक गया। अब मैक्रो चुन चुन कर इन कट्टरपंथियों का इलाज करेंगे। दरअसल इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। वहीं उत्तरी फ्रांस के अरास शहर के एक स्कूल में एक 20 साल के युवक ने एक शिक्षक की अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में 2 अन्य लोग घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इसे बर्बर और इस्लामी आतंकवाद करार दिया है। साथ ही उन्होंने इस हमले की निंदा की है। फ्रांस के मंत्री गेराल डर्मेनिन ने कहा कि फ्रांस अब उच्चतम अलर्ट पर है। उन्होंने इस हमले को इसराइल हमास युद्ध से जोड़ा है। आपको बता दें कि इस घटना के ठीक एक दिन पहले मैक्रो ने फ्रांसीसियों से एकजुट रहने और इसराइल हमास युद्ध को लेकर फ्रांस में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से परहेज करने के लिए कहा। मैक्रो ने हमले की जगह पर जाकर शिक्षक डोमिनिक बर्नार्ड को श्रद्धांजलि अर्पित की। उस समय शिक्षक का शव खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ था। मैक्रो ने कहा, उन्होंने कदम बढ़ाया है और निसंदेह कई लोगों की जान बचाई। हम आतंक के आगे नहीं झुकेंगे, हमें ऐसी हरकतें विभाजित नहीं कर सकती। आरोपी की पहचान मोहम्मद एम के रूप में की गई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लीसी गैम्बेटा हाई स्कूल का पूर्व छात्र था। यहीं पर हमला भी हुआ है। हमलावर के एक भाई को भी हिरासत में लिया गया है। इस हत्या की जांच आतंकवाद विरोधी एजेंसी को सौंपी गई है। जीन फ्रैंकोइस रिकॉर्ड के अनुसार कई गवाहों ने हमलावर को अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सुना। खुफिया एजेंसियों द्वारा उस व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसका फोन टैप किया जा रहा था। अधिकारियों ने उसका संदिग्ध व्यवहार देखा था, लेकिन योजनाबद्ध हमले का कोई संकेत नहीं मिला था। बताया जा रहा है कि हमलावर का एक बड़ा भाई इस्लामी आतंकवादी नेटवर्क से संबंध रखने और आतंकवादी घटनाओं का महिमा मंडन करने के आरोप में जेल की सजा काट रहा है। जानकारी की आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में फ्रांस को सिलसिलेवार इस्लामी हमलों का निशाना बनाया गया। फ्रांस को सबसे बुरा अनुभव नवंबर 2015 को हुआ, जब पेरिस में मनोरंजन स्थलों और कैफे पर बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों द्वारा एक साथ हमला किया गया था। फिलहाल फ्रांस ने कट्टरपंथियों का इलाज करने का मन बना लिया है। वैसे देखा जाए तो फ्रांस में कट्टरपंथियों ने पूरा पांव पसार रखा है। अगर सरकार इस पर तगड़ा एक्शन नहीं लेगी तो फ्रांस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका ट्रेलर वो समय समय पर फ्रांस की सरकार को दिखाते रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।